तो चलिए आज के क्लास से हम लोग फाइनाइट डिफरेंसेस जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों को इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ने के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए इंटरपोलेशन चैप्टर या फिर एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये फाइनाइट डिफरेंसेस चैप्टर जो है वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि उसके सभी फॉर्मूलों का बेस है। ठीक ना, मान लीजिए आप इंटरपोलेशन में न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, जो भी फार्मूला आप इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक ना, या फिर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़िए या फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़िए या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़िए न्यूमेरिकली, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये जो चैप्टर है वो बेस है। ठीक ना, तो ये चैप्टर आपको समझ में आना ही चाहिए। फाइनाइट डिफरेंसेस तो ये क्या है, हालांकि जब हम इंटरपोलेशन का क्लास दिए हैं तब भी हम इसका जो भी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर का वो हम वहाँ भी क्लियर किए हैं, लेकिन फिर भी ये चैप्टर है आपके बुक में, आपको पढ़ना चाहिए फाइनाइट डिफरेंसेस। तो फाइनाइट डिफरेंसेस में हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे कि हम लोग जनरली क्या क्या पढ़ेंगे हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन में हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है, ठीक ना, और फिर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, फिर हम लोग थर्ड में पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक ना, जैसे कि आप जानते हैं d इक्वल टू होता है d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन वाला, ठीक ना, उसी तरीके से अगर 1 बाई डी बोल दिया जाए तो आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन इसका मीनिंग होता था। फिर उसी तरीके से हम लोग नया ऑपरेटर e के बारे में जानेंगे, ठीक है, e के बारे में जानेंगे, ये हम लोग डेल्टा के बारे में जानेंगे, नेबला के बारे में जानेंगे, आई के बारे में जानेंगे, और भी है बहुत कुछ। फिर इन सभी ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशन को भी जानेंगे इस चैप्टर में हम लोग, क्लियर। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे आज की क्लास में। तो समझ में आया आज की क्लास में हम लोग क्या टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो चैप्टर है वो आखिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है वो हम लोग देख लें। इसके बाद हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, फिर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, इन सभी टॉपिक्स पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस इज यूज टू अ लार्ज एक्सटेंट थ्रू आउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर मेनी प्रोसेस। मतलब ये क्या है, इट फॉर्म्स द बेसिक फॉर मेनी प्रोसेस एंड इज यूज इन द डेरिवेशन ऑफ मेनी फार्मूला। समझ में आया इस चैप्टर का यूज क्या है कि एंड इज यूज इन द डेरिवेशन ऑफ मेनी फार्मूला, क्लियर। तो अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आर्गुमेंट और एंट्री क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जब इंटरपोलेशन की बात कर रहे थे चैप्टर का तो उस समय भी हम इसको डिस्कस किए हैं आर्गुमेंट और एंट्री क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि ऐसा कहीं रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल यहाँ का जो एक्स जो होता है ना, जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट मीन्स कि एक्स को यहाँ पे वी कॉल एक्स एज द आर्गूमेंट एंड वाई एज द एंट्री। समझ में आए, इसको हम लोग एंट्री कहते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। समझ में आएगा आर्गुमेंट और एंट्री। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे का टॉपिक क्या है, डिफरेंसिंग टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसिंग टेबल आपको डिफाइन करने के लिए भी दे सकता है, क्लियर है, और या फिर इसी चीज़ को हम लोग इंटरवल भी कहते हैं, डिफरेंसिंग इंटरवल या फिर सिर्फ इंटरवल भी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू ए, फिर एक्स इक्वल टू ए प्लस एच कॉमा ए प्लस टू एच कॉमा ए प्लस थ्री एच डॉट डॉट ए प्लस एन एच बी एन प्लस वन आर्गूमेंट। तो ये सब क्या है, हमारा आर्गूमेंट है। क्यों आर्गूमेंट है, क्योंकि ये एक्स है और एक्स का वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है ए, मतलब कि इसका मतलब अगर आप एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट पे निकालना चाहो तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो एफ ऑफ ए आएगा। तो देखिए ये क्या हुआ, हमारा फंक्शन का इस पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, ये क्या कहलाएगा, आर्गूमेंट। यही एक जगह पे ए प्लस एच रहेगा तो वो भी आर्गूमेंट। तो ये सब क्या है, आर्गूमेंट है। द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर गिवेन बाय एफ ऑफ ए, इसका एंट्री हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच एंट्री, एफ ऑफ ए प्लस टू एच और एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ये सब क्या हो गया, एंट्री हो गया। आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ ए है तो इसमें एच ऐड हो रहा, फिर टू एच, फिर थ्री एच, फिर एन एच, इस तरीके से ऐड हो रहा है एच ना। तो अब यही चीज़ हम लोग देख लेते हैं, द क्वान्टिटी एच इज नॉन एज डिफेंसिंग टेबल। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पे आपको बुक को भी फॉलो करना है, बुक के सारे रूल्स को भी देखना है, बुक को भी देखना है कि बुक क्या लिखता है, बुक क्योंकि बहुत सारा बुक में आपको बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग हमारा मेन टॉपिक जो है यहाँ का, जो हम पहला टॉपिक की बात कर रहे थे फॉरवर्ड डिफरेंस का, तो हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहा है कि लेट द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। लेट द फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यू दिस,
एक्स नॉट पे वाई नॉट, एक्स वन पे वाई वन, एक्स टू पे वाई टू और एक्स एन पे वाई एन। ये हम एक फंक्शन लिए और वो फंक्शन इस तरीके का पर्टिकुलर वैल्यूज को मान रहा है, मतलब जब एक्स एक्स नॉट होगा तो वाई वाई नॉट होगा, एक्स वन होगा तो वाई वन होगा। इसी चीज़ को हम लिख दिए हैं टेबल के थ्रू ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में ना किस चीज़ का। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग दिया फर्स्ट डिफरेंसेस, फॉरवर्ड डिफरेंस तो है, फॉरवर्ड डिफरेंस में भी फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखें कि इस फर्स्ट डिफरेंस को हम लोग क्या जानते हैं। आप ध्यान रखना है कि x0 पे y0 है, x1 पे y1 है, x2 पे y2 है, x3 पे y3 है। अब हम लोग फर्स्ट डिफरेंसेस किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं। इफ वी नाउ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ y, मतलब इफ वी नाउ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ y द प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ y, किसके किसके बीच, y का सारे वैल्यू को उसके पिछले वाले y से, मीन्स की y के पिछले वाले वैल्यू से अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, वी गेट y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, फिर y5 माइनस उसके पहले वाला y4, y6 माइनस y5, y7 माइनस y6, इसी तरीके से yn माइनस 1। समझ में आ गया। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन y, वी शैल डिनोट दीज डिफरेंसेस बाय डेल y। समझ में आ गया कि फर्स्ट डिफरेंसेस क्या होता है, y जो हमारा है x के करस्पॉन्डिंग में जो y का वैल्यू है उसी y के वैल्यू को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें आगे वाला y को पीछे वाले y के वैल्यू से, तो हम लोग को क्या मिलता है, फर्स्ट डिफरेंसेस, मतलब कि अगर y0, सॉरी y1 माइनस y0 इसके पहले वाला, फिर y2 माइनस इसके पहले वाला y1, अगर ऐसा मिले तो इसको हम लोग फर्स्ट डिफरेंसेस कहते हैं, इसको भी फर्स्ट डिफरेंसेस, इसको भी फर्स्ट डिफरेंसेस, पर इसका पर्टिकुलर एक डिनोशन होता है उसको हम लोग डेल y कहते हैं। डेल y का मतलब कि ये फर्स्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर डेल y नॉट हो जाए, ध्यान देना है आप, अगर हम ऐसा सिर्फ लिख दें ये आपको दिखा जाए y1 माइनस y नॉट, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डिफरेंस है, बट फर्स्ट डिफरेंस तो डेल y से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए पर्टिकुलर के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा डेल y नॉट, ये छोटा वाला वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर y2 माइनस y नॉट, ये भी फर्स्ट डिफरेंस है, यहाँ पे छोटा जो है उसको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे डेल y इक्वल टू दिस, फिर ऐसा, फिर आर्बिट्ररी के लिए ऐसा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब जो हम फर्स्ट लेकर आ गए y0, y1, y2, y3, y4, है ना, डेल y0, डेल y1, डेल y2, डेल y3, इस तरीके से जो भी हम फर्स्ट डिफरेंसेस ला दिए, और अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट करें, ठीक ना, फर्स्ट डिफरेंसेस को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है सेकंड डिफरेंसेस। कैसे, इफ वी नाउ कंसीडर द डिफरेंस, कंसीडर द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट डिफरेंसेस, मतलब फर्स्ट डिफरेंसेस जो आया है उसी के डिफरेंस को कंसीडर कर लें, ठीक है, वी विल ऑब्टेन अ सेट ऑफ क्या है क्वांटिटीज कॉल्ड सेकंड डिफरेंसेस विच मे बी डिनोटेड बाय सुपरस्क्रिप्ट ऑन डेल, ठीक है। अच्छा, दिस सॉरी दस डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट का मतलब, सॉरी डेल स्क्वायर वाई नॉट, स्क्वायर का मतलब हो गया सेकंड डिफरेंसेस, और वाई नॉट मीन्स की ऐसा डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट। समझ में आया, यहाँ पे हम सिर्फ एंट्री को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन वाला डिफरेंसेस, फर्स्ट वाला डिफरेंसेस, ठीक ना। तो डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, फिर इस तरीके से देखेंगे दूसरा, फिर तीसरा, फिर आर्बिट्ररी देख लेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सेकंड डिफरेंसेस। अब इसी तरीके से आप चाहें तो थर्ड डिफरेंसेस के लिए क्या करना होगा, आपको सेकंड वाला को माइनस करना होगा। तो देखिए थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है, द डिफरेंसेस ऑफ द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, मतलब कि डिफरेंस ऑफ द सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, जो सेकंड आप लेकर आए हैं उसको अगर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा थर्ड वाला, ऐसा क्या मिलेगा, थर्ड डिफरेंसेस। जैसे कि क्यू वाई आई, यहाँ पर्टिकुलर कोई आई नहीं है, आई मतलब यहाँ छोटा वाला लेंगे, ठीक है ना, छोटा वाला लेते हैं हम लोग, तो यहाँ स्क्वायर माइनस यहाँ भी स्क्वायर। समझ में आ गया किस तरीके से, जैसे अगर आप चाहें यहाँ से लिया, हम एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए डेल क्यू वाई नॉट आपको लिखना है तो क्या करना होगा, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट, यहाँ जो वाई नॉट है वही यहाँ पे रहेगा। अच्छा, यहाँ क्यू के लिए आपको सेकेंड और थर्ड के लिए सेकेंड वाला को माइनस करना होगा, अगर आप सेकेंड निकालना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट वाला माइनस करना होगा, और अगर आप फर्स्ट निकालना चाहते हैं तो आपको एंट्रीज को माइनस करना होगा। समझ में आ रहा है ना, तो अब ये मत पूछिएगा कि एंट्रीज क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा
फॉरवर्ड डिफरेंस का फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, हालांकि ये सब का यूज बहुत कम होता है। हम लोग ये सभी चीज जो फर्स्ट डिफरेंस है या सेकंड डिफरेंस है या थर्ड डिफरेंस है, इन सभी चीजों का यूज हम लोग क्या कर लेते हैं, एक टेबल के हेल्प से बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला को बिना यूज किए ही हम लोग फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा यूज हो जाता है ये सभी फर्स्ट डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस या सेकंड का, ये सब का कभी कभी यूज आता है, तो इसलिए उसको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी जो हमारा सेमेस्टर फोर में है वो काम हो जाएगा डिफरेंसेस टेबल से। तो डिफरेंस टेबल क्या है, देखिए, डिफरेंसेस आर यूजुअली अरेंज इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इम्प्लॉयड, ठीक है, इज द डायगोनल डिफरेंसेस टेबल। ध्यान देना है हम लोग क्या लिख रहे हैं, डायगोनल डिफरेंसेस टेबल, डायगोनल डिफरेंसेस टेबल हम इसको कहते हैं डिफरेंस टेबल को कभी कभी। अच्छा, फॉर फॉलोइंग डाटा, यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है ध्यान देना है, इस डाटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अभी क्रिएट करेंगे। क्या है डाटा, एक्स वाई पे एक्स जब एक्स नॉट है तो वाई वाई नॉट है, एक्स वन है तो वाई वन है, एक्स टू है तो वाई टू है, एक्स थ्री है तो वाई थ्री है, इस तरीके से एक्स एट है तो वाई एट है। ये डाटा के लिए हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट करना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आप लोग को पता है कि कैसे क्रिएट करते हैं, फिर भी हम बता देते हैं, क्लियर ना। देखिए पेन हमारा कहाँ गया, यहाँ पे है स्मार्ट पेन, ये हमको दोस्त गिफ्ट किया है ये पेन। चलिए तो एक्स वाई, चलिए हम सबसे पहले एक्स के जो क्रॉसपॉन्डिंग में जो भी वैल्यू है, एक्स एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन एंड एक्स एट, यहाँ तक था एक्स एट तक, हम एक्स एट लिख दिए कॉलम में। फिर वाई, इसके क्रॉसपॉन्डिंग में जो वैल्यू है वाई का, एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग वाई नॉट, वाई नॉट, एक्स वन के वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, इस तरीके से हम एक्स एट वाई एट लिख दिए। अब पहला डिफरेंस आता है, कैसा डिफरेंस आता है हमारा, पहला डिफरेंस ये आता है कि डेल वाई, डेल वाई मतलब फर्स्ट डिफरेंस है ना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है आपको। तो डेल वाई क्या होता है भैया, देखो यहाँ पे वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट करेंगे तो इन दोनों के जो बीच में लिखेंगे हम लोग, ध्यान रखना है आपको, इन दोनों के बीच में लिखना है इसको, तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस कर दिए, थोड़ा पेन को हम अंदर कर लेते हैं, हो गया। तो इन दोनों के बीच में लिखते हैं डेल वाई नॉट। तो कैसे डेल वाई नॉट मिलता है अभी हम बताए हैं, डेल वाई नॉट मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाला माइनस पहले वाला। फिर यहाँ पे इन दोनों में देखिए वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई वन, इस तरीके से इसको फिर निकालनी है हम लोग, ये निकालनी है। अब आता है सेकंड वाला बात, सेकंड डिफरेंस टेबल का, तो इसमें क्या होगा, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, फिर डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन मिलेगा डेल स्क्वायर वाई वन, फिर डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू मिलेगा डेल स्क्वायर वाई टू, इस तरीके से सेकंड भी हो गया। अब थर्ड क्या करना है आपको, डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट मिल जाएगा, फिर डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन यहाँ मिल जाएगा। फिर इस तरीके से देखिएगा तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे वैल्यू जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपका थर्ड का भी मिल जाएगा। फिर इस तरीके फोर्थ निकालना चाहें तो थर्ड का डिफरेंस कीजिए, फोर्थ निकलेगा। फिफ्थ निकालना चाह रहे हैं तो डेल वाई फोर वाई वन माइनस डेल वाई फोर वाई नॉट, फिफ्थ निकल जाएगा। जब हम लोग इस पर डाटा पे जब हम लोग काम करेंगे ना, कोई डाटा दिया रहेगा तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट किया जाता है। अभी हम जब एग्जाम्पल लेंगे डाटा के लिए तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से जो भी काम करते हो ना, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट वैल्यू क्या है, ये वाला डेल वाई नॉट का रिक्वायरमेंट होता है, इसका जरूरत पड़ता है सभी फॉर्मूला में। फिर फॉरवर्ड पे जब भी काम करेंगे आप, तब आपको क्या होगा, डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यू वाई नॉट, डेल वाई का फोर, डेल फोर वाई नॉट, डेल फाइव वाई नॉट, डेल वाई, डेल सिक्स वाई नॉट, डेल सेवन वाई नॉट, मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसी का रिक्वायरमेंट होता है फॉरवर्ड पे जब भी आप काम करो। तो वही चीज़ हम नोट में लिख दिए हैं ताकि आप लोग जब नोट्स बनाइएगा यहाँ से लिख करके, इन दिस टेबल वाई नॉट इक्वल टू दिस, द फर्स्ट इंट्रीज इज टर्म्ड एज द डेल वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, मतलब सब जो फर्स्ट इंट्रीज है ना उसको ऐसे नेम किए, आर नोन एज लीडिंग डिफरेंसेस। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इस कॉलम को लीड कर रहा है, ये इस कॉलम को लीड कर रहा है, कौन, ये वाला, फिर इसको ये लीड कर रहा है, ये ऊपर वाला, फिर यहाँ पे इस कॉलम को ये लीड कर रहा है, इस कॉलम को ये लीड कर रहा है, समझ में आना, इसलिए हम लोग इसको लीडिंग डिफरेंसेस भी कहते हैं। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया फॉरवर्ड के बारे में, हम जब डाटा से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे तो हम लोग समझेंगे। अब बाहरी आता है बैकवर्ड डिफरेंसेस का, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में भी वही दो टॉपिक्स, फर्स्ट फॉरवर्ड, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो आप फॉरवर्ड के लिए पढ़े हैं, ठीक ना। तो बैकवर्ड के लिए देखिए, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, तो दी डिफरेंसेस वाई वन माइनस वाई नॉट, देखिए पहले अब की क्या है, बड़ा है, उस समय भी बड़ा था, ठीक ना, लेकिन वाई वन माइनस वाई नॉट, वाई टू माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई टू, डॉट डॉट डॉट, वाई एन माइनस वन, यही चीज़ वहाँ भी था, लेकिन वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग ये है
देखिए वहाँ पे क्या होता था, हम बताते हैं आपको कि y1 माइनस y0 को हम लोग क्या लिखते थे, डेल y0, मतलब छोटा वाला वैल्यू को यहाँ लिख देते थे। अच्छा अब इसको थोड़ा सा ऐसे, आप अभी तक आप ऐसे समझे थे y1 माइनस y0, इधर में आप समझे थे क्या, समझे थे डेल y0। ये था हमारा फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट डिफरेंस। अब यही चीज़ यहाँ भी वही रहेगा, y1 माइनस वाई नॉट ही रहेगा। देखिए वाई वन माइनस वाई नॉट ही रहेगा इसको, बट हम लोग नेबला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, आपको ध्यान बता दें, हम ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड ऑपरेटर, या फिर हम लोग कभी कभी डेल्टा भी या डेल भी नाम से जान रहे हैं, ठीक, फॉरवर्ड ऑपरेटर हालांकि इसका नाम है। अब यहाँ आता है नेबला, इसको हम लोग कहते हैं बैकवर्ड ऑपरेटर। अच्छा इसमें जो होगा ना, इसमें जैसे हम लोग छोटा वाले को लिए, अब बैकवर्ड में बात करेंगे तो हम लोग का काम होता है कि बड़े वाले का लेना। जैसे कि अभी हम तुरंत बताया ना कि फॉरवर्ड पे आप काम कीजिएगा तो सबसे छोटा वाला जो है उसका यूज़ करना है आपको, ये सारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब उसी तरीके से जब बैकवर्ड पे काम कीजिएगा तो आपका सारा बड़ा वाला रिक्वायरमेंट है, बड़ा वाला चाहिए होता है फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग नेबला y1 लिखते हैं ये बड़ा वाले से। तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आया, तो ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। अगर हम लोग सेकेंड बात करें y2 के लिए तो क्या होगा, y2 माइनस y1, समझ में आ गया ना, ये जो होता है वो बड़ा के लिए होता है। अगर हम लोग थर्ड बात करें डेल y3 तो क्या होगा, y3 माइनस y2, तो ये हो गया क्लियर। तो वही चीज़ लिखे हैं, आर कॉल्ड द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, मीन्स कि दी डिफरेंस दिस 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 आर कॉल्ड द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड दिस आर डिनोटेड बाई डेल नेबला y1 नेबला y2। देखिए हम कभी कभी हो सकता है कि मान लीजिए इसको हम डेल बोल दिए तो वैसा है नहीं, ये है क्या, नेबला है, क्योंकि हम जब इंटरपोलेशन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि वहाँ पे हम क्या बोल दिए हैं इसको, कभी कभी डेल्टा बोल दिए हैं, ठीक। लेकिन अब वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है, हालांकि आपको ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप गलत वहाँ नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि टीचर हर बार सही हो, ठीक ना, इसीलिए या फिर मैं हूँ या फिर कोई भी टीचर है, आपको बुक को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप किसी के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाओ कि जो बता रहे वही सही है, ऐसा कभी नहीं करना है। आप एक बुक दो बुक रखिए, वहाँ पे सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि क्या है नहीं है, ठीक ना, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्यूब पे कौन से लोग पढ़ा रहे हैं, या फिर मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं ही अपना बात करूँ कि मैं अगर कहीं पर ऑफलाइन क्लास ओपन करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई पढ़ने आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं ताकि कुछ लोगों से संपर्क हो, है ना। तो इसलिए आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, मेरे ऊपर भी नहीं, ठीक ना। पहले आप वेरीफाई कीजिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो वही चीज़, चलिए छोड़िए ये सब बात, ये सब आप लोग खुद समझदार हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नेबला y1 नेबला y2 नेबला y3 और नेबला yn, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग का मेन जो मतलब मकसद है, यहाँ पे हम लोग ये समझ लेते थे कि हमारा होता क्या था। एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए हैं, नोट और यहाँ पे कर ही लीजिए आप फॉरवर्ड के लिए, ठीक ना। फॉरवर्ड के नीचे हम लिख रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, नोट वहाँ पे ये करना है कि डेल्टा जब f(x) होता था, आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप पढ़े थे ना अभी तुरंत, आप पढ़े थे क्या पढ़े थे, हम थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि आप पढ़े थे y1 माइनस y0 इक्वल टू डेल ऑफ y0, छोटा वाला वैल्यू यहाँ पे, ठीक। तो जब f(x) है, जब यहाँ छोटा y0 होता था तो यहाँ पे y0 होता था, तो जो डेल f(x) है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बाद वाला जो वैल्यू होगा वहाँ पे तो भाई f(x) ही होगा, लेकिन y0 से बाद में है y1, तो y0 से बाद में y1 कब होता है, जब उसमें h, देखिए y0 होता था f(a) और जो ये y1 होता था वो होता था f(a+h), याद आया, मतलब इसमें h का इंक्रीज होता था। तो वही चीज़ यहाँ f(x) हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा f(x+h), समझ में आया, f(x+h) माइनस f(x), क्लियर हो गया ना, एक ज़्यादा है यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़ कि यहाँ पे एक ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग देख लें कि 10 नेबला f(x) जो होता है ना, यहाँ जो बड़ा वाला वैल्यू हो यहाँ पे और इससे एक कम आगे, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए, हेंस नेबला इज कॉल्ड बैकवर्ड, देखिए दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। जैसे वहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता था, यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। वहाँ पे हम लिखे नहीं है, आपको लिख लेना है हेयर, इधर में जो फॉरवर्ड में था वहाँ लिख लेना है, और यहाँ बैकवर्ड लिखी थी। आप सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस देख लीजिए, तो दी डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, मतलब कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस को ही हम लोग सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लीजिए
कि द डिफरेंसेस ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस आर कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड आर डिनोटेड बाय नेबला स्क्वायर वाई टू, नेबला स्क्वायर वाई थ्री, नेबला स्क्वायर वाई फोर, etc. क्लियर? चलिए, दस नेबला स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू नेबला इंटू नेबला वाई टू। समझ में आया ना? नेबला स्क्वायर को नेबला इंटू नेबला वाई टू लिख सकते हैं, क्यों हम डायरेक्ट आपको नहीं बताएं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो अगर ऐसा कहें तो डिफरेंस जो होता है नेबला स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन। आपको पता है कि वाई टू है तो यहाँ पहले वाई टू से स्टार्ट होगा और स्क्वायर है तो इससे पहले वाला डिफरेंस होगा। अगर सेकेंड डिफरेंस के लिए बात करें तो फर्स्ट वाला डिफरेंस होगा, थर्ड डिफरेंस के लिए बात करेंगे तो सेकेंड वाला डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं डेल क्यू वाई थ्री, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी डेल स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे हम लोग थर्ड का बात कर रहे हैं तो सेकेंड को माइनस करेंगे। अच्छा, डेल स्क्वायर वाई टू इक्वल टू क्या हम लोग चाहे, सॉरी डेल नहीं, नेबला, नेबला स्क्वायर वाई टू को हम लोग कैसे हम लोग ये लिख कर लाए हैं, ध्यान दे दिए, थोड़ा हम यहाँ पे दिखा भी दिए हैं कि नेबला इंटू नेबला वाई टू लिख सकते हैं। अब बताइए नेबला वाई टू का वैल्यू क्या है? नेबला वाई टू का वैल्यू, ये बाहर वाला नेबला बाहर रह गया, अब नेबला वाई टू का वैल्यू होता है वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अब वाई टू माइनस वाई वन फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस नेबला से तो क्या बन गया, नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन, वही चीज़ लिखें। देयरफॉर नेबला स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू नेबला वाई टू माइनस नेबला वाई वन। देखिए यहाँ प्रूफ भी किए हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे थर्ड के लिए, नेबला क्यू वाई थ्री, नेबला क्यू वाई थ्री इक्वल टू नेबला स्क्वायर वाई थ्री माइनस नेबला स्क्वायर वाई टू। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, इन जनरल क्या कहेंगे हम लोग, इन जनरल एंथ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय दिस। ये हम लोग एंथ के लिए बात करें, एंथ के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वही एफ ऑफ एक्स यहाँ पे और उससे एक कम इधर, तो ठीक है, एंथ के लिए ध्यान नहीं दूँ उतना, आप देख चुके हैं। अब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के ऊपर बात कर लें, किस डाटा के लिए, एक्स नॉट से एक्स फाइव तक के लिए क्रॉस्पॉन्डिंग क्या, एक्स नॉट के क्रॉस्पॉन्डिंग वाई नॉट, इसके क्रॉस्पॉन्डिंग दिस, तो ऐसा क्रॉस्पॉन्डिंग में है वैल्यू, क्लियर है। अब देखते हैं हमारा जो होता है ना वाई वन को वाई नॉट से घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड में छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हम लोग जो बैकवर्ड में काम करेंगे ना वो बैक के तरफ से करेंगे, नीचे के तरफ से हम करना शुरू करेंगे, नीचे के तरफ से करना शुरू करेंगे, क्योंकि बैकवर्ड नाम से ही हो रहा है कि बैक का बात हो रहा है इधर। तो हम लोग क्या बात करेंगे, वाई फाइव माइनस वाई फोर, तो वाई फाइव और वाई फोर में बड़ा कौन है, वाई फाइव, तो वाई फाइव हो गया और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन को क्या कहते हैं, नेबला वाई फाइव, बड़ा वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वाई फोर माइनस वाई थ्री नेबला वाई फोर, फिर वाई थ्री वाई टू नेबला वाई थ्री, बड़ा वाले को रिप्रेजेंट किए, वाई टू वाई वन ये, अच्छा तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए। फिर आते हैं यहाँ पे नेबला वाई फाइव माइनस नेबला वाई फोर, नेबला स्क्वायर वाई फाइव, क्लियर है। फिर नेबला वाई फोर माइनस नेबला वाई थ्री, नेबला वाई, नेबला स्क्वायर वाई फोर, समझ में आ रहा ना। फिर अब हम लोग इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें बैकवर्ड से ही, बैक से ही स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना है आपको कभी भी ऊपर से नहीं करना, और इसका रिक्वायर्ड वैल्यू ये सब होता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से काम हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या है और कैसे क्रिएट कैसे करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग जो फॉरवर्ड का बात कर रहे थे ना तो वहाँ पे जो फर्स्ट में जो लीडिंग टर्म्स जो थे वो सब रिक्वायर्ड वैल्यू होता था जब भी हम लोग फॉरवर्ड से काम करेंगे किसी भी फार्मूला के ऊपर, लेकिन जब बैकवर्ड से काम करेंगे तो हमारा जो बैक में जो वैल्यू होगा डेल वाई फाइव, डेल स्क्वायर वाई फाइव, डेल, ये फिफ्थ के लिए, अगर एंथ के लिए हुआ तो डेल स्क्वायर वाई एन होता, तो क्या यहाँ रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये सब जो बैक में है वो रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये हमारा एक्स वाई है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में पहला एक्स नॉट जो है 3.0, एक्स वन 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग में है वाई नॉट, वाई नॉट का वैल्यू है 0.33333, क्लियर। और वाई एक्स वन के करस्पॉन्डिंग में है वाई वन, वाई वन का वैल्यू है 0.32258 एंड एक्स टू के करस्पॉन्डिंग में वाई टू, वाई टू का वैल्यू 0.31250 एंड दिस सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लें, इसका सॉल्यूशन कर लिया और उसके बाद देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स का जो भी वैल्यूज है दिया हुआ उसको हम कॉलम में लिख लिए, वाई का जो वैल्यू है उसको कॉलम में लिख लिए। अब आपको पता है कि वाई का जो वाई नॉट है और ये वाई वन है, क्लियर है ना, हम यहाँ पे वाई नॉट और वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर ये सब हम नहीं लिखे, आप चाहे तो समझने के लिए लिख सकते हैं वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड वाई फोर, ठीक है, लिख सकते हैं आप। अब क्या करना होता है ना, सेकंड वाले को मीन्स कि वाई वन को वाई नॉट से सब्सट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिलेगा, इधर डेल वाई नॉट मिलेगा, और डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या होता है 0.32258
माइनस 0.3333 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, आपका रिजल्ट आएगा माइनस 0.01075। ये रिजल्ट आया और इसका वैल्यू का नाम क्या हम कह सकते हैं कि डेल वाई नॉट। ठीक, डेल वाई नॉट हो गया ये। अच्छा, अब फिर ये क्या था, वाई थ्री वाई टू माइनस वाई वन, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा माइनस 0.01008, इस तरीके से आया और इसका वैल्यू क्या होगा, डेल वाई वन। फिर इस तरीके से हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करके ले आए। फिर अब बताइए, हम लोग सेकंड में काम कर लें, डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और इसका नाम क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट। फिर इस तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट किए, क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई वन। अब इस स्क्वायर वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डेल क्यूब वाई नॉट। फिर ये क्या आ गया, डेल क्यूब वाई वन। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका, डेल का पावर फोर वाई नॉट। अब रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो क्या है, इसका काम करेंगे किसी फॉर्मूला पे जब हम लोग काम करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड फार्मूला। तो ये हो गया, ये हमारा एक एग्जांपल था आपके बुक से रिलेटेड। अब सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन पॉलिनोमियल जो है वो दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इक्वल टू जीरो एंड वन टू थ्री फोर एंड फाइव एंड प्रिपेयर द डिफरेंस टेबल। क्लियर है, मतलब कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर दिस। ये तो क्लास 8-9 में ही पढ़ना है आप लोगों को कि पॉलिनोमियल पे पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू पुट करते जाएंगे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू मिलेगा। तो हम डायरेक्ट किए हैं, आपको हम यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में इस चीज़ का पर्टिकुलर जीरो पर वन पर टू पर सब पे फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना, तो इसलिए आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू यहाँ जीरो लिखेंगे फिर यहाँ जीरो का स्क्वायर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखना है आपको। क्या है कि वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस या पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू दिस एंड वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। इस फंक्शन का जीरो पे वन आया, वन पे फाइव आया, टू पे 19 आया, फिर थ्री पे चेक करना था 55 आया, फोर पे चेक करना था वाई फोर मीन्स की एफ ऑफ फोर इक्वल टू 125, वाई फाइव मीन्स की एफ ऑफ फाइव इक्वल टू 241। तो अब हमारे पास डाटा मिल चुका है, इसी चीज़ को आप चाहे तो टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे टेबल ही क्रिएट कर सकते हैं। किसके लिए, जब जीरो था तो वन आया, वन था तो फाइव आया, टू था तो 19, थ्री 15, फोर तो 125, फाइव तो 241। इसका नाम है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर एंड एक्स फाइव। एक्स नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग में होगा वाई नॉट, एक्स वन से वाई वन, इस तरीके से आपको पता है, ये मुझे बताने का आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं वाई वन माइनस वाई नॉट, क्या होगा, फाइव माइनस वन फोर, 19 माइनस ये 14, इसको सब्ट्रैक्ट किए, ये सब्ट्रैक्ट करते गए, ये हमारा क्या बन गया, डेल वाई वन, डेल वाई बना। डेल वाई में पहला वैल्यू था डेल वाई नॉट, डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई थ्री, डेल वाई फोर। ठीक है, अब डेल स्क्वायर में बात करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए आ गया, और ये जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, यहाँ डेल स्क्वायर वाई नॉट ये बना था, डेल स्क्वायर डेल वाई नॉट बना था, ये डेल स्क्वायर वाई नॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा डेल क्यू नॉट, फिर यहाँ बनेगा डेल का पावर फोर वाई नॉट। लेकिन अब ध्यान दे रहे होंगे आप कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है ना, क्या नोट है वो हम बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या कह रहा है कि थर्ड डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट हो गया और थर्ड के बाद वाला जो हो रहा है सब जीरो हो जा रहा है। तो इससे हमको एक रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे थे जो पॉलिनोमियल का डिग्री है, मीन्स कि पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या था, थ्री था। हाईएस्ट डिग्री क्या है, थ्री है। तो थ्री जैसे ही है, इसका मतलब यहीं से आप कह सकते हैं कि जो थर्ड डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड का हो, थर्ड डिफरेंस जो होगा डेल क्यू वाई, डेल क्यू वाई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसी से कह सकते हैं, अगर सबसे हाईएस्ट पार्ट डिग्री थ्री है तो थर्ड वाला कांस्टेंट होगा और इसके बाद जो भी होगा वो जीरो होगा, चाहे फोर्थ निकाले डिफरेंस, चाहे फिफ्थ डिफरेंस निकाले, चाहे सिक्स डिफरेंस निकाले, वो जीरो होगा। ठीक है, थर्ड डिग्री तो थर्ड वाला कांस्टेंट, टू डिग्री तो टू वाला कांस्टेंट, फोर डिग्री तो फोर वाला कांस्टेंट। तो वही चीज़ हम लिखे हैं ऑब्जर्वेशन, इसको क्या ऑब्जर्व किए हम लोग, इन दी एबव एग्जाम्पल वी सी दैट एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री एंड ऑल थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस आर दी सेम, दैट इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। समझ में आया, डिग्री थ्री है तो सारा थर्ड डिग्री का जो भी हमारा डिफरेंसेस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम लोग एक थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ देख लेते हैं, थ्योरम का हम लोग प्रूफ भी देखेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तब। ठीक है, ये सिलेबस में तो शायद नहीं है, लेकिन हम सिलेबस देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसका थ्योरम का प्रूफ करना है या नहीं करना। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, इसी से रिलेटेड है, वो ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री एन होता है देन एनएस ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट। यही बात की है कि अगर तीन डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल के अगर हम लोग डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें जो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस जो होगा
वो कांस्टेंट होगा, वही लिखे हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, देन एंथ ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट एंड ऑल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन एन आर जीरो। मतलब एंथ वाला अगर एंथ डिग्री है तो एंथ वाला कांस्टेंट हो जाएगा और उसके बाद जो भी डिफरेंसेस निकालेंगे वो जीरो होगा। जैसे कि अभी थर्ड डिग्री का जो हमारा पॉलिनोमियल था तो थर्ड वाला कांस्टेंट और थर्ड के बाद जीरो, तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर डिग्री एन है देन एंथ ऑर्डर डिफरेंसेस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट एंड ऑल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन एन। समझ में आया कि एन से ज़्यादा जो भी डिफरेंसेस होगा वो जीरो हो जाएगा। अब इसी चीज़ को कन्वर्सली दूसरे तरीके से भी कहा गया। यहाँ पे बात क्या हुआ कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री एन है तो डिफरेंसेस एन से ज़्यादा वाला जीरो। अब वही बात कन्वर्सली इफ एनथ ऑर्डर डिफरेंसेस, एनथ ऑर्डर डिफरेंसेस मतलब डेल एन एफ ऑफ एक्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, अगर एनथ जो है डिफरेंसेस कॉन्स्टेंट है देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। समझ में आया कि अगर जो हमारा nth ऑर्डर का डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो उसका पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा n वाला होगा। समझ में आया, तो ये हमारा था, ये हमारा क्या था, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको कि डिग्री n तो nth ऑर्डर का डिफरेंसेस कांस्टेंट, डिग्री n तो nth कांस्टेंट और nth कांस्टेंट तो डिग्री n, ठीक है। अब ध्यान देना है कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूला पढ़ा था ना कि u इंटू वी के लिए, u प्लस वी के लिए, फिर u बाई वी के लिए, उसी तरीके से एक फॉरवर्ड ऑपरेटर जो होता है, ये जो डेल्टा ऑपरेटर जो होता है ना, अभी हम बात कर रहे थे आप लोगों से ये डेल्टा ऑपरेटर के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो इसी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये डेल्टा ऑपरेटर भी बहुत काम का चीज़ है, ये भी बहुत कुछ करता है। तो क्या है सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ है कि एलजेब्रा ऑफ डिफरेंसेस ऑपरेटर डेल्टा, इफ़ सी इज अ कॉन्स्टेंट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स देन, मतलब c कांस्टेंट है और f ऑफ x और g ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी जो है कि डेल ऑफ c, डेल ऑफ c का मतलब डेल लगा हुआ है किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, तो क्या होगा, जीरो होता है। समझ में आ गया। अच्छा, डेल किसके साथ लग रहा है, अब सेकंड प्रॉपर्टी में f ऑफ x प्लस g ऑफ x, प्लस रहे या फिर माइनस रहे आप एक ही चीज़ में कर सकते हैं, तो ये बढ़ता है, डेल एक बार इसके साथ बढ़ जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स और एक बार जी एक्स के साथ बढ़ जाएगा जी ऑफ एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी वही माइनस के लिए है। अब फोर्थ क्या है, डेल ऑफ सी ऑफ एक्स, डेल है और सी भी और एफ ऑफ एक्स है, तो कांस्टेंट पता है डिफरेंशिएशन में भी क्या होता था, कांस्टेंट बाहर होता था, उसी तरीके से इस ऑपरेटर के लिए भी कांस्टेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा और डेल लग जाएगा एफ ऑफ एक्स के साथ। सेम उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यू इंटू वी जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग को देखना है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे बात आता है कि यहाँ दो रूल कहता है कि सबसे पहले आप एक को डिफरेंशिएशन कीजिए, एक को रहने दीजिए, अब उसके बाद एक जो जिसको रखे हैं उसको छोड़, उसको डिफरेंशिएशन कीजिए और दूसरे वाले को रहने दीजिए, बट रूल के साथ। क्या है कि पहले हम जी ऑफ एक्स को क्या किए हैं, ऑपरेटर लगाए, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ ऑपरेटर है डेल्टा वाला, तो इसके साथ लगाए ना, तो इसके बाद जो बचा उसमें एक इंक्रीजमेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू डेल्टा जी एक्स, ठीक है, जी एक्स में डेल्टा लगाए हैं, आपकी जी एक्स को बिना डेल्टा के साथ रखेंगे, लेकिन यहाँ एक्स प्लस एच था तो यहाँ पे सिर्फ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स रखेंगे, यही चीज़ ध्यान देना है। ये जरूरी नहीं है कि एफ के साथ एच लगे, जी के साथ भी लगा सकते हैं, इसका दूसरा रूल है, अभी ये भी कहता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा जी एक्स और प्लस डेल्टा जी प्लस एच इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, यहाँ डेल्टा जी एक्स नहीं है, फिर से सुन लीजिए, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एच प्लस एच एक्स प्लस एच इंटू डेल एफ ऑफ एक्स, ये दो रूल है, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं कि ये फिफ्थ वाला रूल क्या कर रहा है। इसी तरीके से सिक्स वाला रूल है, सिक्स वाला रूल देख लेना है आपको, एफ ऑफ एक्स बाई जी एक्स है, फिर सेवन्थ का ये है, फिर एट का है, ये सब ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, डिफरेंशिएशन से पूरा रिलेटेड है, तो आप समझ सकते हैं, है ना, ये भी देख लीजिए इस तरीके से है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका कुछ प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे ये चीज़। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं कि कांस्टेंट वाला जीरो कैसे होता है जब हम लोग डेल्टा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तब वी हैव दिस इक्वल टू दिस दिस, जब हम लोग ऐसा यूज़ करें कि हमारे पास क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी फंक्शन के साथ ऑपरेटर लगाते हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाते हैं, तो ये इंक्रीज करता है एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, समझ में आए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जब हम लोग बात करें कि जब एफ ऑफ एक्स की जगह सी रहे, सी मतलब कोई कांस्टेंट फंक्शन रहे, तो आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन में एक वैल्यू इंक्रीज कीजिए, एक्स प्लस एच कीजिए या एक्स प्लस टू एच कीजिए, वो सी ही देगा, तो यहाँ भी सी और यहाँ भी सी इक्वल टू जीरो, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड में आप यहाँ से प्रूफ देख सकते हैं, थर्ड भी प्रूफ देख सकते हैं, और बाकी जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो आपको बुक में मिल जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको प्रूफ देख कर जाना है सभी चीज़ का,
अब हम लोग आगे टॉपिक में यहाँ पे देख सकते हैं, फोर्थ फिफ्थ का भी प्रूफ है, फोर्थ का प्रूफ है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को एग्ज़ाम में देख के जाना है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, ये हो सकता है एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए। तो क्या करना है देखिए, प्रूफ दैट डेल्टा 10x इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा 10x इक्वल टू साइन h इंटू sec x इंटू दिस। तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है, सिंस डेल्टा मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वही चीज़ अगर डेल्टा 10x के साथ इंक्रीज करेगा तो क्या कर देगा, x प्लस एच और यहाँ पे x। तो अब 10x प्लस एच को क्या लिख सकते हैं आप, साइन x प्लस एच बाई कॉस x प्लस एच, फिर क्या लिख सकते हैं साइन x बाई कॉस x, इसको हम लोग क्या कर दिए, आपको पता है ना कि 10x इक्वल टू होता है साइन x बाई कॉस x, तो वही हम यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं। और अब हम लोग इसको क्या कर लें, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या आ गया इस तरीके से, यही आ गया एलसीएम, यहाँ पे पहले हम एलसीएम दिए, उसके बाद सबसे पहले ये तो मिल गया, बट यहाँ कॉस x नहीं मिल रहा, तो कॉस x को क्या कर देंगे, ऊपर जो भी चीज़ है उससे मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ तो कॉस x मिल गया बट ये वाला नहीं मिला, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसको सॉल्व किए तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ हो गया यहाँ पे लिखे। अब देखिए x और माइनस x कैंसिल आउट हो गया इधर से, तो बचा सिर्फ साइन h बचा, नीचे कॉस x इंटू कॉस x प्लस h ये चीज़ बचा। तो अब इसको हम साइन h को साइन h रहने दिए और 1 बाई कॉस x जो है उसको sec x लिख दिए, और 1 बाई कॉस x प्लस h है इसको हम sec x प्लस h लिख दिए। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी देखेंगे, प्रूफ दैट डेल्टा log f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा ये ऑपरेटर पता है ना, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, क्लियर ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो log f ऑफ x इक्वल टू log दिस, ये हमें प्रूफ करना है, log 1 प्लस ऐसा प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे LHS में दिया हुआ है उसको हम लोग लेंगे। तो LHS में हमारे पास है डेल log f ऑफ x, आपको पता है कि ये डेल क्या करता है, इंक्रीज करेगा उसके बाद ऐसा करेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते थे, वी हैव डेल्टा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस x, समझ में आया ना, ऐसा इंक्रीज करता था। तो यहाँ पे देखिए log f ऑफ x है तो log f ऑफ x प्लस h होगा और log f ऑफ x यहाँ पे रह जाएगा। तो अब आ गया बात log a माइनस log b का फॉर्मूला, log a माइनस log b का फॉर्मूला, तो अब log a बाई बी हो गया और फिर log a बाई बी। अब देखिए x प्लस h को आप अपने मन से क्या लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस एच, हम अपने मन से क्या कर दें, माइनस f ऑफ x फिर प्लस f ऑफ x, क्लियर है, ऐसा हम कर लिख देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस हम एक बार माइनस f ऑफ x दिए और एक बार प्लस f ऑफ x दे दिए, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा f ऑफ x लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, प्लस f ऑफ x। तो देखिए हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहाँ f ऑफ x प्लस h को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हम एक चीज़ दिए फिर हटा दिए, तो हम अब इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब फाइनली ये हुआ कि हम f ऑफ x प्लस h को ऐसा लिख सकते हैं। तो वही चीज़ लिखिए f ऑफ x प्लस डेल f ऑफ x, उल्टा साइड कर सकते हैं हम क्योंकि साइन दोनों का प्लस है, तो हम ऐसा लिखें। और इसके बाद जब हम इससे इसको डिवाइड किए और इससे भी करेंगे, तो इससे करेंगे तो 1 आ गया, इससे करेंगे तो ऐसा आ गया। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो हेंस द रिजल्ट। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया, और नहीं समझ में आ रहा ना तो सबसे पहले काम है आपका कि कॉपी में नोट करना, उसके बाद ही समझ में आएगा, 1 से 2 बार उसके बाद क्लास को देखना। तो अब थर्ड क्वेश्चन है कि इवेलुएट डेल 10 इनवर्स x। तो अब 10 इनवर्स x फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला ही ऐसा कुछ। इसके बाद आप चाहे तो आगे का एग्जाम्पल देख सकते हैं या फिर रहने भी दे सकते हैं। तो चलिए अब हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर ई और आई क्या है, ये कैसा ऑपरेटर है। तो सबसे पहला आता है कि ई जो ऑपरेटर है, अभी तक हम क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग 2 ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन ऑपरेटर, डेल्टा और नेबला के बारे में, ये फॉरवर्ड के लिए काम करता है और ये बैकवर्ड के लिए काम करता है। अब हम लोग ऑपरेटर ई के लिए बात करेंगे और आई के लिए, ये 2 ऑपरेटर के बारे में हम लोग अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग सबसे पहले ई के बारे में जान लें कि डेफिनेशन ई का है क्या, कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड एच बी द इंटरवल ऑफ डिफेंसिंग, इंटरवल ऑफ डिफेंसिंग मीन्स कि ये इंटरवल्स को डिफरेंस कर रहा है h, ठीक है। दी ऑपरेटर e इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिफ्ट ऑपरेटर और दी डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। इस e का 2 नाम है, एक नाम तो शिफ्ट ऑपरेटर है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते थे, इसको बैकवर्ड ऑपरेटर कहते थे, उसी तरीके से हम लोग इसको शिफ्ट ऑपरेटर कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये फंक्शन को डिस्प्लेस करता है आगे की ओर, ठीक ना, हम लोग बात करेंगे अभी उसके ऊपर। ई इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर और द डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर एंड इज डिफाइंड एज,
अगर ई एफ ऑफ एक्स के साथ लग गया तो उसको शिफ्ट कर देता है आगे, मतलब डिस्प्लेस कर देता है एक्स प्लस एच की ओर, मतलब अगला टर्म की ओर। समझ में आया कि ई का क्या वैल्यू है? ई को हम लोग कह सकते हैं ना कि ये धक्का दे रहा है, आगे कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए हम लोग शिफ्ट बोलते हैं इसको, या डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ई लग गया एफ ऑफ एक्स के साथ तो वैल्यू हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब सेकंड आई वाला क्या ऑपरेटर है समझ लीजिए कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, द ऑपरेटर आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड इज डिफाइन एज, आई किसी किसी भी साथ लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा होगा। तो आई एफ ऑफ एक्स के साथ लग गया तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। समझ में आए ये दोनों ऑपरेटर क्या है? ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर है, ई जो है शिफ्ट ऑपरेटर या फिर क्या ऑपरेटर है, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, ये है आइडेंटिटी ऑपरेटर। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, हम लोग कुछ इसके बारे में जान लें कि ई और ई स्क्वायर और ई क्यू, ई का पावर 4, ई का पावर 5, ये सब क्या है, ठीक ना? तो वही चीज़ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ई, ठीक ना? चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर समय का कमी है तो, कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स इफ़ एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्मॉल एन कहाँ बिलोंग करना चाहिए? एन में, और एन हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या फिर बराबर भी कह सकते हैं, बराबर भी होना चाहिए। देन ई टू द पावर एन इज डिफाइन एज ई टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई इंटू ई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ तो समझ में नहीं आया होगा, मतलब फिर से समझिए कि ई का पावर एन यहाँ है और एफ ऑफ एक्स के साथ अगर ये चीज़ लग रहा है तो ये दो चीज़ बनाएगा, एक तो एक ई बाहर रह गया और एक ई अंदर में है एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस चीज़ का ये रूल होता है, अभी रूल पे हम लोग काम करें 2 के लिए, तो 2 के लिए होगा अगर तो एक ई बाहर और 2 माइनस 1 मतलब 1 एक ई अंदर। अब इस पे हम बाहर ही रहने देते हैं, और इसका मतलब क्या होता था, एफ एक्स प्लस एच होता था, तो हमारा रिजल्ट जो आ गया एफ एक्स प्लस एच अंदर से आ गया एक्स प्लस एच, और फिर से ई लग गया तो एक्स प्लस एच और एक और एच, तो एक क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 एच, तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस 2h आ गया। मतलब ये चीज़ समझ में आया कि 2 है तो 2h हो गया, 3 होगा तो 3h होगा, मतलब 10 ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। सिमिलरली ई टू द पावर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, और ई टू द पावर 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4h। मतलब इसी चीज़ का अगर n रहेगा पावर तो nh होगा जनरल में। समझ में आया? अब इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग इसका प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लें कि इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेटर ई, क्या क्या तीन प्रॉपर्टी होते हैं, फॉलोइंग द डेफिनेशन वी कैन इजिली वेरीफाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेटर ई। हम लोग इजिली वेरीफाई कर सकते हैं ये सभी प्रॉपर्टी को। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि सी इज अ कॉन्स्टेंट देन ई सी इज इक्वल टू सी, मतलब अगर कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब 4, 5 कोई भी कॉन्स्टेंट है, अगर कॉन्स्टेंट के साथ मान लें ई लगा देते हैं हम 5 के साथ, तो कोई चेंजिंग नहीं, 5 ही रहेगा वो, ठीक है ना? तो ई सी इक्वल टू सी, ठीक है। सेकेंड है कि एफ ऑफ एक्स और जी एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट देन, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फंक्शन एक्स का, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो कहेगा कि ई जो है ना वो बढ़ता है प्लस माइनस पे, ऐसा हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वो प्लस माइनस में बढ़ता है। तो क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो ये ई जो बढ़ गया पहले एफ ऑफ एक्स के साथ और ई बढ़ गया जी ऑफ एक्स के साथ, ये सब प्रॉपर्टी है, इसका आगे यूज होगा, ध्यान रखना है। क्लियर ना? जैसे डिफेंसिएशन में बढ़ता था उस तरीके से यहाँ भी बढ़ता है। सेकंड देख लीजिए ई सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सी क्या होगा कॉन्स्टेंट है तो बाहर होगा जैसे डिफेंसिएशन में होता था वही चीज़ यहाँ पे। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि ई एम और एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन ई टू द पावर एम और अंदर में एन, तो ऐसा होगा कि दोनों पावर जो आपस में होगा ऐड हो जाएगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी हम लोग इसी तरीके से आई का पॉजिटिव इंटीग्रल अगर पावर रहे आई या आई स्क्वायर या आई क्यू रहे तो हम लोग क्या जानेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स, लिख लीजिए हेडिंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई, तो लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स देन द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई ऑन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एज आई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब आई किसी भी फंक्शन के साथ लगता है तो कोई चेंज नहीं होता है इन जनरल, ऐसा कहते हैं एन बिलोंग्स टू एन, मतलब एन अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करें, मतलब एन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो लिख सकते हैं कि आई का पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? आई का पावर एन कुछ भी पावर रहे, आई स्क्वायर रहे, आई क्यूब रहे, अगर एफ ऑफ एक्स के साथ लगता है तो वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज आई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आई क्यूब भी लग जाए तो भी एफ ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है ना? ये इंटीग्रल आई का वैल्यू है और आई क्या था, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेटर आई, तो आप यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और सेम इसको भी उसी के जैसा लिख लीजिए। क्लियर है? वीडियो पॉज कीजिए और इस सभी प्रॉपर्टी को लिख लीजिए, एक बार लिखना है और बस इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अभी मेन जो टॉपिक होता है ना यहाँ से स्टार्ट हो गया, रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स। आपको पता है कि अभी तक आपने 4 ऑपरेटर पढ़ा है,
ये डेल्टा नेबला ई जो है क्या शिफ्ट ऑपरेटर, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये चार ऑपरेटर पढ़ा ना, इसी चार ऑपरेटर के बीच में, और एक आपको पहले से पता है ये डिफेंशियल ऑपरेटर वाला, डिफेंशिएशन वाला, तो ये पांच ऑपरेटर के बीच हम लोग रिलेशन का बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, सेकंड रिलेशन है डेल ई इक्वल टू ई डेल, समझ में आ रहा है ना, डेल ई इक्वल टू ई डेल। अच्छा थर्ड जो है नेबला इक्वल टू वन माइनस ई का इनवर्स, ठीक है, और फोर्थ रिलेशन है वन माइनस नेबला इज इक्वल टू वन प्लस डेल्टा का इनवर्स, हॉल इनवर्स। अब फोर्थ फिफ्थ जो रिलेशन है वो समझ लीजिए ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी, और डी क्या है, वेयर डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ऐसा रिलेशन, पांच रिलेशन है, पांचों रिलेशन को ये ध्यान रखना है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि रिलेशन बिटवीन, राइट द रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, तो आप इन दोनों में से ई या डेल्टा का रिलेशन बात किया जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, ये दोनों में से कोई भी रिलेशन आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेबला और ई के बीच रिलेशन बात किया जाए तो ये हो गया, किसके बीच, नेबला एंड ई के बीच, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ई और डी के बीच, ई और डी के बीच रिलेशन ये वाला है, तो आपसे पूछ दिया जाए कि राइट द रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन को लिख सकते हो, क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग पहला रिलेशन प्रूफ करते हैं कि E इक्वल टू वन प्लस E इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको क्या प्रूफ करना है, E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा ये होता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि E इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, या फिर इसी चीज़ को ऐसा भी तो प्रूफ कर सकते हैं ना कि डेल्टा इक्वल टू ये उधर गया तो क्या होगा E माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है ये चीज़, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अच्छा हम लोग जानते हैं फ्रॉम द डिफिनेशन, हमें फर्स्ट में प्रूफ करना, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा पहला वाला जो है, तो आप क्या कीजिए काम, ये लिख दीजिए फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस वी हैव एफ ऑफ एक्स के साथ लगता है डेल्टा, तो ऐसा हो जाता है ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इसी चीज़ को एफ ऑफ एक्स प्लस एच को ध्यान रखना है, ई एफ ऑफ एक्स तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि ई का काम होता था कि शिफ्ट करता था आगे की ओर, तो आगे से हम पीछे भी तो आ सकते हैं ई लगाकर, ठीक ना, x प्लस एच है तो अगर हम e लगा दिए एफ ऑफ एक्स के साथ तो ये चीज़ ये बन जाता, तो हम इससे क्या कर दिए बैक आ गए, और बैक में e लगा दिए तो ऐसा हम लिख सकते हैं, और ये एफ ऑफ एक्स है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स है, दोनों से कॉमन कर लिए एफ ऑफ एक्स, तो बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ e बचा और यहाँ पे 1 बचा, ठीक ना, और इधर क्या था डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ई माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स कैंसल आउट, डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, तो डेल इज इक्वल टू ई माइनस वन, दिस इंप्लाई E इज इक्वल टू ये उधर गया 1 प्लस पहले से डेल्टा, तो प्रूफ यहाँ पे होता है प्रूफ फर्स्ट वाला रिलेशन। और सेकंड रिलेशन बहुत ईजी है, सेकंड रिलेशन ध्यान देना है आपको, प्रूफ क्या करना है पहले वो भी देख लेना है आपको, डेल E इक्वल टू ई डेल प्रूफ करना है, डेल E इक्वल टू ई डेल प्रूफ करना है। तो हम क्या का बात करेंगे, सबसे पहले डेल E का बात कर लें, उसके बाद ई डेल का बात करेंगे, पहले क्या बात करेंगे डेल E और ई डेल, दोनों का वैल्यू हम सेम दिखा देंगे, उसके बाद क्या देंगे फ्रॉम वन इंटू दिस इज प्रूफ्ड, समझ में आया ना। डेल E पहले निकालते हैं एफ ऑफ एक्स के साथ, तो डेल E जब निकालेंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, तो हम लोग लिखे डेल E ऑफ एफ ऑफ एक्स, E को इसके साथ दे सकते हैं हम लोग, ठीक ना, तो डेल बाहर रह गया, E इसके साथ लग गया, और ये इसके साथ जैसे ही लगेगा तो डेल बाहर ही है और E लगाना, तो ये शिफ्ट कर दिया आगे की ओर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्लियर है। अब फिर डेल लग गया, तो डेल लग गया तो जो चीज़ है उससे एक ज़्यादा माइनस वही चीज़, डेल का आपको पता है कि फॉरवर्ड ऑपरेटर क्या कहता है रूल, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ये आगे हो गया 2h और माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। अब हम लोग डेल ई समझ गए, अब ई डेल समझते हैं, ई डेल एफ ऑफ एक्स, तो ई डेल क्या है, ई बाहर रह गया डेल लग गया, तो ई बाहर है और डेल लग गया, तो क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसके डेल के प्रॉपर्टी से, सॉरी डेल या डेल्टा जो भी समझें आप, फॉरवर्ड ऑपरेटर है, उसके प्रॉपर्टी से क्या होता है कि ये क्या करता है एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। अब ई बाहर है तो अब ई का प्रॉपर्टी क्या कहता है, ई का प्रॉपर्टी ये कहता है कि ये प्लस माइनस में ई बटता है, तो ई एक बार इसके साथ बटा और ई इसके साथ बट गया, तो ई इसके साथ बट गया और ई इसके साथ बटा, तो जैसे ही ई इसके साथ बटा तो अपना जो काम करेगा वो क्या कर देगा, एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस टू एच कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ एक्स है तो एक्स का क्या बना देगा, एक्स प्लस एच बना देगा। तो आप ध्यान दीजिए कि डेल ई जो निकाले थे एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ पे ई डेल जो निकाले एफ ऑफ टू एच एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच सेम आया, और माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच सेम आ गया, मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड फ्रॉम टू
जो दोनों का दोनों डेल ई और ई डेल जो है, मतलब कि फ्रॉम वन एंड टू वी हैव डेल ई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डेल एफ ऑफ एक्स कैंसल आउट, तो दिस इंप्लाई दैट डेल ई इज इक्वल टू ई डेल प्रूव्ड। समझ में आ गया किस तरीके से प्रूफ हो रहा है? ये बस रिलेशन है, इसके बाद बस आज की क्लास यही हम लोग ऑफ करेंगे, लेकिन रिलेशन अभी थर्ड रिलेशन जो है हम लोग रिलेशन बिटवीन ई एंड नेबला। ई क्या है, नेबला क्या है, सब आपको पता है। फ्रॉम द डेफिनेशन वी हैव, डेफिनेशन से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एच। आपको पता है नेबला के बारे में हम बता चुके थे पहले ही कि ये जो है ना वो एक कम करता है, एफ ऑफ एक्स रहेगा फिर उसमें से एक्स माइनस एच को माइनस कर देता है, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं। और आपको हम थोड़ा सा एक चीज़ नहीं बताए थे कि जैसे कि ई जो होता था अगर एफ ऑफ एक्स के साथ लग जाए तो क्या बनता था, एक्स प्लस एच किसके साथ, एफ ऑफ के साथ, मतलब एक्स एक्स प्लस एच में बदल जाता था। उसी तरीके से अगर ऐसा हो जाए, अगर इन्वर्स लग जाए, ई इन्वर्स लग जाए तो कुछ नहीं करना है ना, ये ई लगता था तो एक ज़्यादा करता था और इन्वर्स लग जाएगा तो एफ एक्स माइनस एच एक कम कर देगा, इन्वर्स का मतलब एक कम कर देगा। तो ये चीज़ आप कहीं नोट में लिख लीजिए, हमसे गलती होगा कि हम इसको पहले इन्वर्स वाला नहीं बताएं, ठीक, इसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी इसके लिए, ठीक ना, इसको आप लिख लीजिए कहीं नोट में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स है इसको हम रहने दिए, और एफ ये तो हमारे डेल नेबला का प्रॉपर्टी से ऐसा हम लिख दिए एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऐसा लिखे। अब एफ ऑफ एक्स रहने दिए और इसको क्या लिख देते रहे हम लोग, माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स माइनस एच हो रहा है तो एक कम कर रहा है ना, तो इसको हम लोग एक्स में लाने के लिए क्या कर इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स का प्रॉपर्टी है कि एक कम करता है, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे जैसे लिखें तो हम लिख दिए यहाँ भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स है, कॉमन करेंगे तो यहाँ वन, यहाँ पे बचा ई इनवर्स और इधर कॉमन हो गया एफ ऑफ एक्स। अब देखिए नेबला एफ ऑफ एक्स और इधर क्या है, नेबला एफ ऑफ एक्स, इधर क्या बचा वन माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा नेबला इक्वल टू वन माइनस ई इनवर्स प्रूव्ड। थर्ड वाला हमारा प्रूव्ड हो गया केस। अब रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड नेबला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फोर्थ नंबर। तो हम लोग पहला रिलेशन से क्या जान रहे हैं, फ्रॉम रिलेशन वन एंड थ्री वी हैव, पहला रिलेशन हमारा इधर था, पहला रिलेशन हमारा ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा, ये अभी हमने प्रूव किया। और थर्ड रिलेशन जो क्या था हमारा, नेबला इक्वल टू ऐसा, हम थर्ड दोनों रिलेशन का यूज करेंगे, लिखे हैं फ्रॉम रिलेशन वन एंड थ्री वी हैव नेबला इक्वल टू वन प्लस डेल्टा एंड नेबला इक्वल टू नहीं, आई एम सो सॉरी, ई इक्वल टू वन प्लस डेल्टा एंड नेबला इक्वल टू वन माइनस ई का इन्वर्स, ये हम दोनों रिलेशन जानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, हमें फोर्थ में प्रूफ क्या करना था वो लिख लेते हैं। वन माइनस, देखिए हमें फोर्थ में ये चीज़ प्रूफ करना था, वन माइनस नेबला इक्वल टू वन प्लस डेल्टा का इन्वर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये फोर्थ नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये पूछा जा सकता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड नेबला, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक में ना इसका नाम थोड़ा सा अलग अलग सुनने को मिलेगा, कभी डेल बोलेंगे, कभी नेबला को कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि इसका जो मेन जो काम है वो, इसको हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं, इसको बैकवर्ड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमें प्रूफ करना है, तो हम ऐसा प्रूफ कर देना कि हम इससे लेकर चलें और इसको हम लोग प्रूफ कर दें, तो वन माइनस नेबला से हम लोग चलेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं काम करने। नाउ वन माइनस नेबला इक्वल टू वन माइनस नेबला का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से वन प्लस ई का इन्वर्स, यहाँ प्लस है क्या, यार सॉरी 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 माइनस ही होता है, अभी तो हम लोग तुरंत यहाँ रिलेशन थ्री देख रहे हैं, यहाँ माइनस ही होता है, लेकिन हम लोग यहाँ प्लस इसलिए हो गया क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कर रहा था, वन माइनस नेबला। देखिए हम यहाँ, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, वन माइनस नेबला है ना, तो इसको आप लिखिए वन माइनस, अब नेबला का वैल्यू क्या है, वन प्लस ई का इन्वर्स, ये तो ब्रैकेट में जाएगा ना क्योंकि नेबला अलग है, तो वन और ये माइनस वन ओपन हुआ था और ये माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है ना, यार गलती हो गया, देखो यहाँ पे वन माइनस ई इन्वर्स है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है, नेबला की जगह वन माइनस ई का इन्वर्स लिखें और यहाँ माइनस वन है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, ये माइनस और माइनस इधर प्लस हो गया इन्वर्स, तो वही चीज़ लिखे वन माइनस वन प्लस ई का इन्वर्स, ठीक है। अब ये दोनों कैंसल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, बचा ई का इन्वर्स, अब वन माइनस नेबला इक्वल टू आ गया है ई का इन्वर्स, अब ई का वैल्यू क्या है, ई का वैल्यू है वन प्लस डेल्टा, तो ई की जगह पर वन प्लस डेल्टा का होल इन्वर्स, तो हो गया हमारा क्या, फोर्थ केस प्रूव्ड।
अब आते हैं हम लोग फिफ्थ केस में। मुझे उम्मीद है कि ये फोर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ केस में, जो कि लास्ट केस है आप लोगों के लिए। तो ये लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि बाय आओ, चलिए ठीक है। फिफ्थ केस क्या कहता है, फिफ्थ केस आपको प्रूफ करना है क्या, पहले वो देख लीजिए। आपको प्रूफ करना है कि E इक्वल टू E टू द पावर एच डी। क्या प्रूफ करना है, E इक्वल टू E टू द पावर एच डी, ठीक है। बस और दो मिनट है ना, इसके बाद क्लास हम लोग आज का ऑफ करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है E इक्वल टू E टू द पावर एच डी, लेकिन इसके लिए हम लोग को टेलर्स एक्सपेंशन का हमें हेल्प लेना होगा। टेलर्स एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर आपके पास एफ एक्स प्लस एच है तो पहला होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू इंटू एफ डबल डैश एक्स, फिर एच क्यू एक्स एच क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश एक्स, फिर इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को अगर आप चाहें तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन को डी से डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसको आप लिख सकते हैं, सेकेंड को डी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, थर्ड को डी क्यूब एफ ऑफ एक्स। डी क्यूब का मतलब कि इसका तीन बार डिफ्रेंशिएशन, वही चीज़ लिखा हुआ है। डी स्क्वायर का मतलब कि एफ ऑफ का एफ ऑफ एक्स का दो बार डिफ्रेंशिएशन, वही चीज़ लिखे हैं ना, डैश का साइन को हटाकर डी दे दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं, एक एफ ऑफ एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और इधर भी है, और इसके आगे के टर्म्स में भी होगा। तो हम एफ ऑफ एक्स सबसे कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा वन, यहाँ पे बचा एच डी क्योंकि एफ ऑफ एक्स बाहर है, यहाँ पे बचा एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, यहाँ बचा एच क्यू डी क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री, एच क्यू डी क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री। आगे लिखते तो एच एच का पावर फोर डी का पावर फोर बाई फोर बाहर में एफ ऑफ एक्स। तो चलिए अब हम लोग आगे काम कर लें कि आगे अब क्या करेंगे हम लोग। ई एफ ऑफ एक्स मतलब वहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच था, उसको आप चाहे तो बैक करने के लिए ई का लगा, ई जो हमारा ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर वो यूज कर सकते हैं। ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एच डी। ई टू द पावर एच डी यहाँ पे कैसे अचानक हो गया ये समझ लेना है आपको। ये जो हम लिखे हैं इसको हम क्या लिख दिए, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख दिए ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, e टू द पावर एच डी। ये कैसे लिखेंगे हम लोग इसको समझना है, बस यही है इम्पॉर्टेंट। एच डी कैसे लिख दिए, ठीक, हम एच डी ऐसा इसलिए लिख दिए क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, e टू द पावर x का एक्सपेंशन जो होता था वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल में एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स का पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, इस तरीके से आगे जाता था। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x है, x फिर उसके बाद x स्क्वायर है, फिर x क्यूब है, मतलब यहाँ जो है उसका स्क्वायर है, यहाँ जो है उसका क्यूब है, यहाँ जो है उसका पावर फोर होगा। अगर यही चीज़ a टू द पावर एच डी लिख दें तो क्या होगा, यहाँ पे वन होगा, फिर यहाँ पे एच डी होगा, फिर यहाँ h d का स्क्वायर होगा, है ना, इसके जगह पे एच डी का स्क्वायर और बाई फैक्टोरियल टू, फिर एच डी का क्यूब होगा बाई फैक्टोरियल थ्री। तो वही चीज़ तो यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब एच डी का होल स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे वन था एच डी था, एच डी मिल रहा है हमारे पास, समझ रहा ना। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं बाय, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ए टू द पावर एक्स ऐसा होता था और एक्स की जगह पे एच डी है तो एच डी का रूल को फॉलो कर रही है। अब देखिए अब बात आ गया कि इधर भी एफ ऑफ एक्स है और इधर भी एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कैंसल, दिस इंप्लाई ई टू द पावर ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी, सॉरी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैंसल, तो ई इक्वल टू ई टू द पावर एच डी प्रूव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ऐसा होता है, हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग लिख पाए। तो उम्मीद है कि आज अभी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और हाँ अब लास्ट क्वेश्चन है बचा हुआ, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प्रूव दैट एन ऑपरेटर्स दिस इक्वल टू दिस, मतलब कि समझ में आ रहा है कि इसका मतलब आई होगा क्या, आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेबला। अगर ऐसा हम लोग करें तो इसका मीनिंग आई होगा। आई क्या होता है, जो एक ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो किसी फंक्शन के साथ लगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब हमें ये प्रूफ कर देना है कि आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेबला इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक ना, कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं ना, क्या करते हैं कि हम इसके बीच में एक एफ ऑफ एक्स लगा देते हैं और हम लास्ट में ऐसा प्रूफ कर देंगे कि इतना कुछ लगने के बाद भी ये एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है।
तो चलिए हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके साथ काम करेंगे, तो i प्लस डेल्टा को रहने देते हैं और ये क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। तो एक बार एफ ऑफ एक्स i के साथ लगेगा, एफ ऑफ एक्स i के साथ लग गया, और एक बार एफ ऑफ एक्स नेबला के साथ लगेगा, एक बार एफ ऑफ एक्स नेबला के साथ लगेगा। तो आइए ये i प्लस डेल्टा यही रह गया, i इंटू एफ ऑफ एक्स ही रह गया। अब माइनस डेल इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको पता है कि माइनस का साइन के साथ अगर माइनस करेंगे हम कॉमन ब्रैकेट करके तो क्या होता है, यहाँ पे यूज़ करते तो आपको एक रिलेशन माइनस में आता और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाता है। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या वैल्यू पुट करना है, नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको पुट करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये प्रूफ यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो ऐसा रिजल्ट आएगा और ये कैंसिल होकर बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, बीच वाला ये बचेगा, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर आप उसके बाद i इंटू एक बार ये i के साथ लगेगा और एक बार डेल्टा के साथ लगेगा, तो i के साथ लगेगा तो x माइनस एच और डेल्टा के साथ लगेगा तो x माइनस एच, डेल्टा के साथ और i के साथ, i के साथ कोई चेंजिंग नहीं और डेल्टा के साथ जैसे काम करना शुरू करेंगे तो डेल्टा के भैया एक बार इससे ज़्यादा x माइनस एच प्लस एच जैसे ही करेंगे तो माइनस एच प्लस एच कैंसिल, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल, बचा एफ ऑफ एक्स। तो सिर्फ देख रहे हैं कि इतना ऑपरेटर का मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ लगाएं तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स बचता है, इसका मतलब ये जो चीज़ है टोटल वो आई के काम कर रहा है, आई का काम कर रहा है मतलब ये आई के बराबर है। मीन्स कि दिस इम्प्लाई आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब सो आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेबला इक्वल टू आई, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया। अब एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाय कंस्ट्रक्टिंग द डिफरेंस टेबल फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। अभी तक हमने इंटरपोलेशन के लिए कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, अभी आपको ऐसा समझना है कोई भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो हम लोग किसी भी मतलब जो डाटा के लिए हम लोग किस तरीके से आगे का टर्म्स को फाइंड करेंगे ये जो ऑपरेटर्स हैं उनके हेल्प से। तो बाय कंस्ट्रक्टिंग द डिफरेंस टेबल फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6, 11, 18, 27, 38, अगर ऐसा दिया रहे ना तो आप इसको x1 x2 x3 x4 और x5 से मान सकते हैं, या फिर x0 x1 इस तरीके से x0 से स्टार्ट कर लीजिए या फिर x1 से स्टार्ट कर लीजिए। और आपको ध्यान है कि यहाँ पे x का जो है आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट आपको 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लेना है जब नहीं दिया रहे तब। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो हमें तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग हमारा बेसिक रूल है कि जब नहीं दिया रहे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अब चाहे तो इसका नाम x0, x1, x2, x3, x4 दे सकते हैं, या फिर x1 हम दिए हैं यहाँ पे, x1 से स्टार्ट किए, x1, x2, x3, x4, x5, क्लियर है। अब वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6, 11, 18, 27, 38, 6, 11, 18, 27, 38। अब हम डेल वाई निकाल लें, 5, 7, 9, 11, डेल स्क्वायर निकाल लेते हैं सब्सट्रैक्ट करके। अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा ना कि डेल स्क्वायर जो हो रहा है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब कि ये जो होगा वो सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो फ्रॉम डिफरेंस टेबल आवर पॉलिनोमियल इज डिग्री 2, क्यों, क्योंकि सेकेंड का ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट हो रहा है डिफरेंस में, तो देयर फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंसेस इज जीरो। हायर ऑर्डर डिफरेंसेस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो चलिए अब हमारा काम है सिक्स्थ टर्म को फाइंड करना, ये पांच टर्म्स का वैल्यू था, 5 में 38 था, तो छठा टर्म में हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो छठा टर्म का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि y, तो हम लोग देखें ना कि y6 इक्वल टू क्या होता है, e to the power 5y1। इसका मतलब ये है, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अगर y1 पे e to the power 5 लगता है तो 5 का मतलब 5 shift 5 displacement, मतलब y1 से अगर 5 terms displace करेगा तो y1 से 5 अगर करेगा तो क्या होगा, y6 बन जाएगा। अब यही चीज़ आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख दीजिए, y0 में e to the power 6 लगा दीजिए, मतलब y0 से 6 terms आगे कर दीजिए, तो y0 से 6 आगे कीजिएगा तो क्या पहुंच जाएंगे, फिर भी आप 6 ही पहुंचिएगा। तो हम लोग y0 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे जो पर्टिकुलर पॉइंट था वहाँ पे x0 और y0 का कोई जगह ही नहीं दिए हैं हम, तो इसलिए हम y0 से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर आप यहाँ पे x0 और y0 देते हैं तो आप x0 से स्टार्ट कीजिए, आपको अगर और दिमाग अच्छा लगाना है तो आप चाहे तो e लगा दिए 3, और यहाँ कहाँ से स्टार्ट कीजिए 3 से, तो 3 से 3 आगे बढ़ेंगे 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। आप चाहे तो y5 पे लगाना चाहे तो सिर्फ e लगाइए तो आप 6 पहुँच जाइएगा, समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो e का मतलब समझ में आ गया, तो हम लोग कहाँ से लगाएं, 1 से लगाएं तो 5 आगे करना होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो y6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिखें
ई टू द पावर 5y1 और ई का वैल्यू होता है 1 प्लस डेल्टा, अभी अभी प्रूफ किए हैं, तो ई का वैल्यू 1 प्लस डेल्टा का ई का पावर 5, तो इसका होल का पावर 5 और इधर हो गया y1। अब ई 1 प्लस डेल्टा का पावर 5, इसको आप बाइनोमियल से तोड़िए, तो पहला क्या होगा 5c0। अब बाइनोमियल नहीं आता तो आपको ये तो सीखना होगा क्लास 11 से, ठीक ना, क्योंकि अभी आप ग्रेजुएशन का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल आपको आना ही चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं आता तो आप बहुत वीक स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है भूल गए हो, तो आपको देख लेना चाहिए क्लास 11 का, क्योंकि मैं यहाँ नहीं समझाने जा रहा। तो हम क्या लिखेंगे, 5c0 1 का पावर 5 डेल का पावर 0, 5c1 डेल्टा, फिर इधर 5c2 डेल स्क्वायर, 5c3 डेल क्यूब, फिर आएगा 5c4 डेल का पावर 4। हम वो नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे थे कि डेल क्यूब वाई ही 0 हो रहा है, तो हमें ये टर्म भी लिखना क्या फालतू लगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, इसके बाद का वैल्यू भी 0 होगा, उसके बाद का वैल्यू 0 होगा। अब बाद में इधर कौन है, y1 है, तो हम साइड में ब्रैकेट में y1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5c0 का वैल्यू 1, अब उसका 1 का पावर 5 और फिर इधर डेल्टा, तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से यहाँ तक, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 लिख दिए, 5c1 5 डेल्टा डेल्टा, 5c2 10 डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर, फिर 5c3 ये भी 10 होता है, फिर डेल क्यूब, इधर क्या है y1 है, ठीक है। अब y1 को मल्टीप्लाई कीजिए, y1 को 1 से किए हैं y1, 5 डेल y1, 10 डेल स्क्वायर y1, 10 डेल क्यूब y1, फिर इस तरीके से आगे होता। अब क्या है कि y1 का वैल्यू अब तुरंत तुरंत यहाँ पे लिखे हैं, y1 का वैल्यू 6, y1 का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, फिर ये जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, जब ये y1 है तो ये जो निकलेगा, देखिए ये y1 है और ये y2 है, तो ये जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, सॉरी डेल y1 निकलेगा, है ना, ये डेल y1, ये डेल स्क्वायर y1, क्योंकि हम यहाँ नॉट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा अलग समझाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या कर लें, ये जो सारा रिक्वायरमेंट डेल y1 यहाँ का जो वैल्यू था वहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू लाल के 5 ला दिए, डेल स्क्वायर y1 2 था लिख दिए, डेल क्यूब y1 0 था, तो 0 हम यहाँ पे लिख दिए, क्लियर है। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहाँ पे तुरंत आंसर मिल जाएगा, 6 25 20 प्लस लास्ट वाला 0 तो इक्वल टू 51, देयरफॉर y6 = 51, हमारा 6th टर्म जो आ गया वो आंसर हो गया, क्या हो गया 51। अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को बिना डिफरेंस टेबल क्रिएट किए भी बना सकते हैं, तो बिना डिफरेंस टेबल क्रिएट किए हम एक एग्जांपल लिए हैं और उसको बनाए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइंड y6 इफ़ y0 = 9, y1 = 18, y2 = 20 एंड y3 = 24, गिवन दैट थर्ड डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे भी x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x0 x1 x2 ये सब वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो उसके बिना हेल्प से भी हम लोग y6 या जो भी टर्म्स निकालना हो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम जानते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन से, वी हैव y0 = 9, y1 = 18, y2 = 20 एंड y3 = 24। अब हमारा सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या क्या होगा फॉर्मूला के लिए, वो तो पहला डेल y0 रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या कर लें y1 से y0 को माइनस कर लें, डेल y0 निकल जाएगा। फिर अब बारी आता है डेल स्क्वायर y1 का, सॉरी डेल स्क्वायर y1 नहीं, डेल स्क्वायर y0 का, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, डेल y1 माइनस डेल y0 करना होगा, तो डेल y1 पहले निकालिए, y2 माइनस y1, डेल y0 y1 माइनस y0, इसको सॉल्व कीजिए तो y2 माइनस 2y1 प्लस y0, फिर इस पर वैल्यू पुट कीजिए तो आएगा आपका -7। हम बेसिक फार्मूला से बात कर रहे हैं, यहाँ टेबल क्रिएट नहीं किए हैं, विदाउट टेबल का बात कर रहे हैं हम, ठीक ना, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो कि आप जो फार्मूला पढ़े हैं उसका भी यूज़ हो जाए। तो हम यहाँ -7 लिख दिए। अब फिर थर्ड में हम लोग देखेंगे y6 निकालेंगे, तो हम लोग देखिए यहाँ तक तो फिर थर्ड डायरेक्ट हम निकाल दिए डेल क्यू y0, क्लियर है, आप निकाल सकते हैं। फिर डेल का पावर 4 y0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कितना टर्म्स दिया हुआ है, 3 तक ही दिया हुआ है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फोर्थ में, नाउ हम आप 6th टर्म जो निकालना है ना वो पे बात कर रहे हैं, तो y6 = e^6 इंटू में y0। y0 ऐसा इसलिए क्योंकि y0 से 6th टर्म को डिस्प्लेस करेगा, तभी तो हम y6 तक पहुँचेंगे। तो हम 1 ई के जगह पर 1 प्लस डेल्टा का पावर 6 रख दिए, फिर इधर y0 और फिर ये 1 प्लस डेल्टा का पावर 6 को बाइनोमियल से एक्सप्रेस किए, हमारे पास रिजल्ट ऐसा आ गया, और साइड में y0 है, फिर y0 को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसको पहले हम ब्रेक कर लिए, 6c0 का 1, फिर इसका 6 डेल्टा, फिर 15 डेल्टा स्क्वायर, फिर इसका 20 डेल्टा क्यूब। अब डेल्टा क्यूब तक तो वैल्यू ठीक है, क्यूब तक 9 है, लेकिन 4 नहीं लिखे हैं क्योंकि उसका वैल्यू 0 है, समझ में आ रहा होगा कि आगे भी जाता हम लेकिन लिखे नहीं है, ठीक ना। साइड में y0 है, अब y0 को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू सारा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, y0 को मल्टीप्लाई किया ऐसा आया, फिर सारा वैल्यू रिक्वायर्ड पुट किए, तो y6 = 113 आ गया, 138 आ गया।
तो अब आप लोग एक बार हमसे क्वेश्चन किए थे, डाउट क्वेश्चन था आप लोग का इंटरपोलेशन चैप्टर से कि सर हमारे पास जब टेबल हो तो उसमें मिसिंग टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिसिंग टर्म्स को किसी पर्टिकुलर फार्मूला से ही फाइंड कर सकते हैं, आप मिसिंग टर्म्स को फाइनाइट डिफरेंसेस के जो ये चैप्टर है इसमें भी फाइंड करना सीखेंगे। अभी हम सिखाएंगे उस चीज़ को, जो हम लोग ऑपरेटर पढ़े हैं ना, ये सब सारा ऑपरेटर बहुत ही काम का ऑपरेटर है। तो हम लोग इसी ऑपरेटर की हेल्प से जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से मिसिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि बहुत ही हमारे खराब समय में भी हमारे साथ है, बहुत सपोर्ट किए। ठीक है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमसे डाउट किए थे इस टाइप्स का क्वेश्चन इंटरपोलेशन चैप्टर से। तो चलिए देख लेते हैं अगर ना, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये हमारे पास टेबल है, इसमें हम लोग मिसिंग टर्म्स को कैसे फाइंड करना है, देखिए। एक्स नॉट मीन्स की जीरो के करस्पॉन्डिंग में वन, वन के करस्पॉन्डिंग में थ्री, टू के करस्पॉन्डिंग में नाइन, थ्री के करस्पॉन्डिंग में डैश है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यही फाइंड करना है हमें। फोर के करस्पॉन्डिंग में क्या है हमारा वैल्यू, एट है, मतलब यहाँ पे टोटल वैल्यू वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सॉरी वन टू थ्री फोर एंड फाइव, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर तक दिया हुआ है। टोटल गिवन वैल्यू इज फोर, फोर नहीं कह सकते हम, यहाँ पे फाइव दिया हुआ है। तो इसलिए जब टोटल वैल्यू फाइव है तो हमारा पता है कि इससे एक कम, डेल का पावर फोर वाई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये तो आप लोग को पता है क्योंकि अभी हम लोग ये फंडामेंटल थ्योरम से भी कह सकते हैं और अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि ऐसा होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग आते हैं कि e का पावर फोर वाई नॉट जब जीरो होगा तो डेल्टा की जगह पे हम लिख सकते हैं ना e माइनस वन, फर्स्ट वाला रिलेशनशिप से। ठीक है, जो फर्स्ट में रिलेशन हमने यही पढ़ा था, इसी को थोड़ा घुमा कर पढ़े थे कि e इक्वल टू वन प्लस डेल्टा या डेल्टा इक्वल टू e माइनस वन। तो हम डेल्टा को e माइनस वन लिख दिए, पावर फोर तो पावर फोर कर दिए, वाई नॉट है वाई नॉट कर दिए। अभी इसको फिर से वही बात है, बाइनोमियल से एक्सप्रेस किए। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट e माइनस वन का पावर फोर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास रिजल्ट ऐसा आएगा, वाई नॉट है वाई नॉट रहने दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसमें वाई नॉट से सबको जो है मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई का पावर फोर वाई नॉट, फोर ई का पावर क्यू वाई नॉट, सिक्स ई का पावर टू वाई नॉट, फोर ई वाई नॉट प्लस वाई नॉट। ठीक है, अब आपका ई का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, ई का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वो आगे को शिफ्ट कर देता है। तो ई का पावर फोर वाई नॉट करेंगे ना हम लोग, तो सबसे पहले इस वाई नॉट को आगे कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या था कि e का पावर फोर वाई नॉट, e क्या करता था ना, डिस्प्लेस करता था आगे की ओर। तो वाई नॉट को जब फोर्थ टर्म आगे डिस्प्लेस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, वाई फोर बन जाएगा। ये वाई नॉट जो है वो वाई फोर बनेगा, ये फोर इंटू ई का पावर थ्री वाई नॉट, तो इस वाई नॉट को ये क्या बना देगा, वाई थ्री बना देगा। तो फोर इंटू वाई थ्री, फिर ये वाई टू को, वाई नॉट को क्या बनाएगा, वाई टू मीन्स की सिक्स वाई टू, फिर ये फोर वाई वन, वाई नॉट से एक आगे गया तो वाई वन, फिर इधर क्या बचा, वाई नॉट जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, वाई नॉट ही रहेगा ना, ये y नॉट ही रहेगा, इधर फोर नहीं रहेगा, y नॉट का y नॉट ही है, इक्वल टू जीरो है। अब देखिए y फोर का वैल्यू 81, फोर y थ्री, y थ्री तो हमें निकालना था, वन टू थ्री ये निकालना था हमें, इसको ऐसे ही रहने दिए। y टू दिया हुआ था नाइन, लिख दिए जो वैल्यू दिया हुआ था लिख दिए। अब लास्ट में देखिए सबको सॉल्व किए तो फोर y थ्री इक्वल टू, उधर भेजे सबको तो 124 आ गया। अब यहाँ से y थ्री का वैल्यू 31 आंसर हो गया हमारा। तो आई होप कि आप लोग को ये मिसिंग टर्म्स वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक ना, हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन में मिसिंग टर्म्स में यहाँ पे डाउट हो कि यहाँ पे एक किस तरीके से किए कि वन टू थ्री फोर फाइव टर्म्स था तो फोर वाला जीरो कैसे हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, फिर से जाना होगा आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का प्रॉपर्टी में। फॉरवर्ड जो डिफरेंस टेबल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल, वहाँ पे दो थ्योरम्स हैं, उन दोनों थ्योरम्स को आपके बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको समझना है, वही थ्योरम्स आपको ये डाउट्स को क्लियर करेगा। और बाकी हम भी इस वीडियो में आपको बताए हैं कि यहाँ पे ऐसा इसलिए कैसे होगा ये, तो ये आप वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर। चलिए।